बच्चों, आज के इस हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज के इस कक्षा में हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पाठ 9, कबीर की साखियाँ। और कबीर दास ने बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, जिसमें कि बहुत बहुमूल्य बातें कही गई हैं। तो आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से उसको जानेंगे। तो कबीर की साखियाँ, इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता भक्तिकालीन काव्य का सुंदर नमूना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवनोपयोगी संदेश देने का प्रयास किया है, जिसको अपना कर मानव जीवन उत्तम बन सकता है और उन्नत बन सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ 9, कबीर की साखियाँ। इसमें जो है, इस पाठ में, इस काव्य रचना में पांच साखियाँ जो है वो संकलित की गई हैं। पांच इसमें हैं साखियाँ, और कबीर की सभी साखियाँ नीति परक हैं। उसमें नैतिकता की बातें हैं। उन्होंने अपने साखियों में निम्नलिखित उपदेशों को उकेरने का प्रयास किया है। कबीर कहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए, और जैसे तलवार के मोल या महत्व को जानना चाहिए, न कि म्यान का महत्व। कबीरदास दूसरे साखी में कहते हैं कि यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा भी अपशब्द कहने पर ये एक से अनेक हो जाते हैं। तो इन साखियों के माध्यम से कवि ने आडंबरपूर्ण यानी कि दिखावा करने वालों पर करारा प्रहार भी किया है, और मुंह में राम राम करते तथा हाथ में सिर्फ माला फेरने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती है और ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इसे सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता। अतः हमें पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आम आदमी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हमें घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही आँखों में चले जाने के बाद पीड़ा पहुँचाते हैं। और मनुष्य के मन के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हमारा मन शीतल यानी शांत है, तो इस संसार में अपना कोई शत्रु नहीं है। हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें। हमें सभी के प्रति दया की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर पांच साखियों में इन महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। अब हम लोग एक एक साखी जो है पढ़ेंगे और उसका विस्तार में अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहली साखी जो यहाँ पर है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान जिसमें तलवार रखते हैं, यहाँ पे म्यान कहते हैं, म्यान जिसमें तलवार रखते हैं, जिसमें तलवार रखते हैं उसको म्यान कहते हैं, जिसमें तलवार रखते हैं। तो म्यान और जाति मतलब जात, यानी कि उसकी जाति क्या है, और पूछ पूछ म पूछा मतलब पूछना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल अर्थात मूल्य, मोल करो तरवार का, यहाँ पे मोल अर्थात मूल्य, महत्व, तलवार का महत्व होता है, ना कि म्यान का। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कभी भी मनुष्य को साधु की जो है जाति नहीं पूछनी चाहिए। वे जाति पाति की भावना को पीछे छोड़ चुके होते हैं, और ऐसे लोगों से हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, न कि उनकी जाति पूछनी चाहिए। और मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। और इस संदर्भ में कवि एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि तलवार
किस स्थान पर रखी गई है इसका महत्व नहीं होता कि वो म्यान में रखी गई है, बल्कि तलवार का मोल भाव करना चाहिए न कि म्यान का, क्योंकि असली काम तो तलवार का होता है। उसमें कितनी धार है, वो किस तरह से काम करती है, और उसमें जो है उसे हमें महत्व देना चाहिए न कि म्यान को, कि वो म्यान कैसा है, कितना मजबूत है, उसका मोल क्या है। हमें तलवार के महत्व को जानना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान पूछना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पहली साखी में जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। और अब है आवत गारी एक है, दूसरा साखी है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। अब यहाँ पर जो है कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा दी गई अपशब्द का जवाब, अगर किसी ने अपशब्द कहा है, बुरा शब्द प्रयोग किया है, गाली दी है, तो उस अपशब्द का प्रयोग अपशब्द से दे देने से वो अनेक हो जाता है, क्योंकि कोई एक गाली देगा तो उसके बदले वो दो तीन दे देगा, फिर वो देगा, तो इस तरह से अनेक गालियाँ हो जाएंगी, बहुत सारे अपशब्द हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए कबीर दास कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि हमें एक गाली निकालता है, बोलता है, और हम उसके जवाब में उसे पलट कर गाली देते हैं, तो ऐसा करने से एक गाली अनेक में बदल जाती है, अनेक की संख्या में बदल जाती है। और जब कोई व्यक्ति गाली निकाले और हम उसका उत्तर मौन रह कर दें, हम मौन रहें, कुछ न बोलें, उसका जवाब गाली से न दें, शांत रहें, तो वो गाली एक की एक ही रह जाती है, अनेक नहीं हो पाती और बढ़ने नहीं पाती। यानी कि एक गाली के बदले दसों गाली लोग बोल देते हैं गुस्से में, और गुस्से में ही जो है व्यक्ति ये गलत अपशब्द निकालता है। तो इस तरह से हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, इससे बुराई और अधिक बढ़ जाती है। तो अगर कोई बुरा कर रहा है, हम भी बुरा करेंगे उसके साथ, तो इस तरह से बुराई बढ़ती ही जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कबीर दास ने कहा है कि हमें उसके जवाब में पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। आवत गारी एक है, दूसरा कोई जब बोलता है तो एक ही गाली बोलता है, उल्टत होई अनेक, और उल्टत यानी कि पलटकर जवाब देने में, उल्टत मतलब पलटकर, उल्टत पलटकर, पलटकर जो है उसका जवाब देने में, जवाब में होड़ हो जाती है, यानी कि एक के बाद एक कई गाली हो जाती है। और ना ही कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो यहाँ पर जो है गारी कहते हैं अपशब्द को, गारी गाली, अपशब्द बुरा शब्द जिसे कहते हैं, तो अपशब्द जो है वो गाली अपशब्द। तो आवत, आवत मतलब आती है, आवत आवत मतलब आती है, आती है आवत गारी एक है, आवत गाली गारी एक है उल्टत होई अनेक। होई का मतलब होता है हो जाती है, अनेक मतलब कई। और कह कबीर नहीं उलटिए, कबीर दास कहते हैं कि पलट कर जवाब गाली में नहीं देना चाहिए, वही एक की एक, इससे वो एक गाली एक ही रह जाती है, अनेक की संख्या में नहीं बढ़ पाती है। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरी साखी पढ़ेंगे। इसमें जो है तीसरी साखी, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसे फिरे यह तो सुमरन नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि बाहरी आडंबर पर, वो दिखावे पर उन्होंने व्यंग किया है और कहा है कि माला तो कर में फिरे, माला हाथ में लेकर माला जपना, और जी भी फिरे मुखमाही,
और मुंह में जो है राम राम इस तरह का जप करना, और मनवा तो चहु दिस फिरे, और ऐसा करने के बाद मन जो है चारों दिशाओं में भागता रहता है तो एकाग्रचित नहीं रह पाता है। यह तो सुमिरन नहीं, ये तो सुमिरन नहीं है, ये तो भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर कवि यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए, सच्चाई का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रायः यह होता है कि लोग जो है वो हाथ में माला लेकर जाप करते हैं और ईश्वर के नाम का ढोंग करते हैं, ईश्वर के नाम को जपते रहते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और लगा होता है। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि उस समय भी लोगों का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है, कई छह बातें उनको याद आती रहती हैं, यानी वे ईश्वर का स्मरण एकाग्रचित होकर नहीं करते और इसलिए उन्हें प्रभु का स्मरण जो है सुमिरन यानी कि प्रभु की भक्ति करना जो है वो उसका स्मरण नहीं हो पाता और वो सच्ची भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है माला तो कर में फिरे, यहाँ पे कर कहते हैं हाथ को, कर का अर्थ होता है हाथ, कर कर का अर्थ होता है हाथ, और फिरे मतलब फिरता है, और जीभ ही फिरे मुख माही, और जीभ जो है मुख में ही फिरती है। मनवा तो चहु दिशी फिरे, चहु दिशी का अर्थ होता है चारों दिशाओं में, यहाँ पर शब्द आया है चहु दिशी, चहु यहाँ पर दिशी चारों दिशाओं में, तो मन तो भटकता रहता है चारों दिशाओं में। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने सच्ची भक्ति उसी को कहा है जबकि हम सब कुछ छोड़कर एकाग्रचित होकर भगवान को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य हाथ में मनके की माला का जाप करते रहते हैं और मुंह से बार बार राम राम, चाहे जो भी उनके इष्ट देव होते हैं उनका वो जाप करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता ही रहता है और उनका चंचल मन भटकते रहने से ईश्वर में उनकी आस्था कम हो जाती है, वो केवल दिखावा मात्र हो जाती है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हम लोग चौथा पढ़ेंगे, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। तो यहाँ पर कबीर घास न निंदिए, निंदिए मतलब निंदा या बुराई करना, निंदिए निंदिए मतलब निंदा करना, निंदा या बुराई करना। निंदा या बुराई करना, पाँव मतलब पैर, पाँव मतलब पैर होता है, और खरी दुहेली यानी बहुत अधिक पीड़ा कष्ट, खरी दुहेली। खरी दुहेली का अर्थ है बहुत अधिक पीड़ा, दुहेली यानी पीड़ा या कष्ट। तो इस तरह से यहाँ पर खरी दुहेली का अर्थ है अधिक पीड़ा या कष्ट। तो कबीर दास कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, कि कभी घास की निंदा मत कीजिए, घास में जो पतले पतले छोटे छोटे तिनके होते हैं उसकी कभी निंदा मत कीजिए। जो पाँव तली होई, पाँव का मतलब होता है पैर और तली मतलब पैर के नीचे, तली का अर्थ होता है पैर के नीचे, जो पाँव तली होई। तो इस तरह से यहाँ पर कबीर दास कहते हैं कि पैर के नीचे जो घास का तिनका पड़ा रहता है उसका कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, उसकी जो है कभी भी
उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का यदि मन शांत या निर्मल होता है तो उसका कोई बैर नहीं होता, बैरी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग करके छल कपट रहित रहना चाहिए और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है और ऐसा होने पर सभी उस पर दया भाव को की वर्षा करते रहते हैं, दया भाव दिखलाते हैं। और यहाँ पर तिनका जो है वो जब उड़कर आँख में पहुँच जाता है, पैरों के नीचे रहने वाला छोटा सा तिनका, वो पतला सा छोटा सा तिनका जब उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वो बहुत अधिक पीड़ा और कष्ट देता है। तो इसी तरह से उसे हमें जो है कमज़ोर या निर्बल बलहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो आँख में पड़ जाए तो बहुत अधिक कष्ट देता है। तो इसके द्वारा जो है कबीर दास ने कमज़ोर और तुच्छ चीज़ों को और छोटी चीज़ों को भी महत्व देने की बात कही है। हमें उनका जो है कभी भी उन्हें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब ये उड़कर आँखों में पड़ जाती हैं, यानी कि जब ये मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत अधिक कष्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि को अपने कभी भी घास तक की निंदा या बुराई नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है कबीरदास कहते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे पांचवा पढ़ेंगे। यहाँ पर तिनका, घास का तिनका जो है कमज़ोर और तुच्छ व्यक्ति को कहा गया है, छोटे व्यक्ति को। और बड़े लोग जो है ऐसे व्यक्तियों की हमेशा बुराई करते हैं और उन्हें कमज़ोर समझ के उनको कष्ट पहुँचाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं ना कि निर्बल का अगर समूह हो तो वो कठिन से कठिन काम को भी कर सकता है। अनेक निर्बलों का समूह जो है वो बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी हरा देता है। तो इसीलिए ऐसे कमज़ोर लोगों को जो है उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमेशा उनको आदर सम्मान देना चाहिए। और अब है यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो जग में बैरी कोई नहीं, जग का अर्थ है संसार, यहाँ पर जग कहेंगे संसार को। जग का अर्थ है संसार और बैरी मतलब दुश्मन। जग मतलब संसार और बैरी मतलब दुश्मन। तो यहाँ पर बैरी दुश्मन को कहते हैं, और शीतल का अर्थ होता है ठंडा होता है, इसे शांत भी कहते हैं, बैरी दुश्मन। तो इस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए और मन को शांत और शीतल रखना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन शांत रहेगा तो जग में हमारा कोई भी, संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, आपा यानी अहंकार, या आपा को डारी दे मतलब उसको छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दें, दया करे सब कोई और सब पर दया करें, दया करे सब कोई। तो यहाँ पर जो है कबीर कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल और शांत है तो हमें संसार में कोई अपना दुश्मन नहीं प्रतीत होता, और इस बात की ज़रूरत है कि हमें अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, सिर्फ दया को, दया की भावना हमें दूसरे लोगों के साथ दिखानी चाहिए। और अहंकार से रहित अगर हम हो जाएंगे तो
तो हर कोई दया और सहानुभूति का व्यवहार करने के लिए तैयार रहता है, और हम अगर अहंकारी रहेंगे तो हमारे बहुत सारे दुश्मन बन सकते हैं। तो यहाँ पर अहंकार को त्यागने की बात कबीरदास ने की है, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए और हमें सब पर दया का भाव रखना चाहिए। कहते हैं कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। तो इस तरह से इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी ने मनुष्य को अहंकार त्यागने का संदेश इसलिए दिया है कि व्यक्ति अहंकार त्याग कर देता है तो सभी जो है उस पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पांच साखियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और पांचों में अलग अलग जो है संदेश कबीरदास जी ने दिए हैं, और उससे हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर और मजबूत बना सकते हैं। तो ये साखियाँ हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अच्छे मार्ग पर चलें, सभी का सम्मान करें, आदर करें, और हम सच्चाई और ईमानदारी से अपना कार्य करें। हम आडंबर या दिखावा ना करें, चाहे वो प्रभु की भक्ति ही क्यों न करना हो, ईश्वर की भक्ति में भी हमें अपना मन एकाग्रचित रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे इस पाठ का, और जिसमें पहला शीर्षक दिया हुआ है पाठ से, और उसमें पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, और म्यान उसको कहते हैं जिसमें की तलवार रखी जाती है। तो ये इसका सरल उत्तर जो है वो यही है कि हम जहाँ वस्तु को रखते हैं उसका महत्व नहीं होता, बल्कि वस्तु का होता है कि उस तलवार में कितनी धार है और वह कितना अच्छे से काम करती है। तो अब यहाँ पर उत्तर हम लोग लिखेंगे पाठ से। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पे शीर्षक डालेंगे पाठ से। पाठ से इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग उत्तर एक करेंगे। तो तलवार का महत्व होता है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से उक्त उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि कबीर यह कहना चाहते हैं कि वस्तु का महत्व होता है, वस्तु का महत्व होता है, वस्तु का महत्व होता है उसके रखने के स्थान का नहीं, उसके रखने के स्थान का नहीं। उसी प्रकार जैसे साधु की जाति नहीं देखी जाती, उसी प्रकार जैसे साधु की जाति नहीं देखी जाती।
उसके ज्ञान को देखा जाता है। नहीं देखी जाती उसके उसके ज्ञान को उसके ज्ञान को देखा जाता है। अर्थात उसके ज्ञान को महत्व दिया जाता है। अर्थात उसके ज्ञान को महत्व दिया जाता है। उससे ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, उसके जात के बारे में नहीं। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मनवा तो चहु दिसी फिरे, इसके द्वारा कबीर, यहाँ पर उत्तर हम लोग लिखेंगे दूसरा, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, मनुआ तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। यह तो सुमिरन नाही। तो यहाँ पर के द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं, कबीर यह कहना चाहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, कि मन बहुत चंचल होता है, मन तो बहुत चंचल होता है, यदि हमें सच्ची भक्ति करनी है, यदि हमें सच्ची भक्ति करनी है, यदि हमें सच्ची भक्ति करनी है तो बाहरी आडंबर दिखावा जैसे माला फेरना, जैसे माला फेरना, हाथ में लेकर माला फेरना, छाप तिलक लगाना, राम का नाम लेना आदि ना करके आदि ना करके मन लगाकर सच्ची भक्ति करनी चाहिए। मन लगाकर सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से हाथ में माला लेके छाप तिलक लगाकर
और राम का जाप करते हुए हमें ये दिखावा या आडंबर नहीं करना चाहिए, और हमें अपने मन को, अपने इस चंचल मन को अपने वश में करना चाहिए और एकाग्रचित रखना चाहिए। और इसमें जो है वो एकदम मन लगाकर सच्ची भक्ति करनी चाहिए और उसमें जो है मन को भटकने से रोकना चाहिए। तो अपने मन को वश में करना है। मन बहुत चंचल होता है, मनः चलम भी कहा गया है, तो इस तरह से उसको अभ्यास के द्वारा और अपने अधीन करके वश करके हम एकाग्रचित होकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पाठ से के अंतर्गत पहला और दूसरा ये दो प्रश्न किया है और शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही किए, इस पाठ को विस्तार से पढ़ा गया और इन प्रश्नों का उत्तर लिखा गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।